घूंघट काना सा काटूं, घूंघट काना सा काटूं, ना कसर गालूंगी, ना कसर गानूंगी, बावन गज का दामन पैर, बावन गज का दामन पहर पहर, मटक चालूंगी, मटक चालूंगी, नहीं 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 ना दी ठेठ और थोड़ा बंदूक बंदूक टाइप्स वो गाने करना पसंद है, लेकिन क्या करूँ, मेरा चेहरा इतना मासूम है कि मैं रोमांटिक और थोड़ा अरे देखा ऐसे बातचीत करते करते आधी हरियाणवी आ गई है समझ। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर राम राम। आज आपकी मुलाकात होगी जिसकी एक्टिंग ने और जिसकी फेस की स्माइल ने पूरी दुनिया दीवानी बना रखी है, तो मैडम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राम राम जी, थैंक यू सो मच मेरा इतना प्यारा वेलकम करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू। तो मैडम जी सबसे पहले एक बार यूँ बताओ, रोमान अहमद के मैटर है यू, मतलब ये समझ नहीं पा रहे, बस जो आपको दिखता है वही मैटर है। हाँ जी, बस आपने इतनी तारीफ कर दी वही मैटर है। अच्छा, यही मैटर है, मतलब अहमद है जो आपका सरनेम है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो मैडम जी एक बार दर्शक जानना चाह रहे हो, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो, अपना बच्चा बच्चा जाना है, लेकिन आप तब प्यार करने वाले आपने चाहने वाले जानना चाह रहे हैं आपका गांव गुआंढ जिला तहसील के बारे में। जी वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी, और दिल्ली में ही रही हूँ। हाँ, सो वहाँ से तो हरियाणा आपको पता ही है बहुत पास है। हाँ, तो हम हरियाणा से टच करके ही रहे। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो मैडम जी एक बार दर्शक नहीं बताओ आपने इस लाइन की शुरुआत किस तरह करी। बहुत मज़े में की। हाँ, मैं स्ट्रगल वगैरह नहीं बोलती हूँ, जो आप कह रहे हैं संघर्ष और ये सब। हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, ये जर्नी है, सो मैंने बहुत इन्जॉय किया है। वैसे मैं बता दूँ कितने साल, नहीं बताऊँगी, नहीं बताना नहीं है कितने साल हो गए, बस काफ़ी टाइम हो गया, आप जानते ही हैं कितना टाइम से आप मुझे देख रहे हैं। और बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं इस अपने प्रोफेशन को। हाँ जी, मतलब कि मैडम जी एक बड़ा प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी में कौन सा लगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट ने मेरा नाम लेवल बढ़ाया है। ख्वाब, ख्वाब जिसकी वजह से आई गेस सभी लोग मुझे ख्वाब गर्ल के नाम से जानते हैं। हाँ, अखिल का गाना था। हाँ, मैं अपना दाजू। हाँ मैडम जी ने ख्वाब जो गाना है अखिल उसके साथ काम किया है, दसी ने मेरे बारे में भी काम किया, सदन रीव का जो जोड़ी गाना है उसमें भी काम किया है। इन्हें तो बहुत कुछ पता है। बिल्कुल, और मन्ना नहीं बेरा जी, मेरा हरियाणा ने भी बेरा है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। क्या दोबारा? मन्ना नहीं बेरा, मेरा हरियाणा ने भी बेरा है। अच्छा, मतलब यहाँ नहीं हरियाणा में भी नाम है। अच्छा, यही ना। अरे देखा ऐसे बातचीत करते करते आधी हरियाणवी आ गई है। बिल्कुल समझ। हाँ बिल्कुल, आधी हरियाणवी आ गई। तो एक बार यूँ बताओ कि है जो घर के हैं इस लाइन में थोड़ा कतरा में है, इस लाइन में भेजन खातर की लड़की है इस लाइन में अच्छा नहीं रहेगा, आप इस पर क्या कहोगे? नहीं ऐसी कोई बातचीत नहीं है, मतलब डिपेंड करता है कि कौन कैसे अपना काम प्रेजेंट करता है। हाँ। अब आपने मुझे देखा होगा 11 साल से, मेरी अपनी लिमिटेशंस है, अपना काम करने का तरीका है। हाँ। सो डरने की कोई बातचीत नहीं है ऐसी। हाँ। एक तो मैं बातचीत आज बहुत बोल रही हूँ, ये हरियाणवी इफेक्ट आ चुका है मेरे में। हाँ। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, और आप लोग बिल्कुल सेफली भेज सकते हो, और डोंट वरी, जो भी लड़कियां काम करना चाहती हैं ना, उनका अपना एक वो होता है रुतबा। एग्जैक्टली, रुतबा और अपनी रिस्ट्रिक्शंस अपने उससे काम कर सकती हैं, ऐसी कोई बातचीत नहीं होती कि मतलब सेफ नहीं है। हाँ या ये नहीं है, वो सब अपने आप ही आपको बिल्ड करके रखना पड़ेगा। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि खुद पे बहुत कुछ ज्यादा डिपेंड करा है। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैडम जी ने यह बात कही कि 11 साल काम कर दिन हो गए, और 20 साल की जो मैडम थी काम करने लगी तो उम्र कितनी होगी फिर? ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, ये यहाँ पे हम ये यहीं पे रिवील। हाँ, कट लेते कट ले। मैडम जी पता ही बात है, प्रेरणा ले हैं बहुत ज्यादा, एक बार बता दो, अंदाजा ला दो, मतलब कि देखने ला दो, बात लो दो राशि बता दो। ये हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं ना कि वो गेस करेंगे मेरी उम्र कितनी होगी। वैसे ठीक है, है ना, उनके लिए भी कुछ हो जाएगा पता करने के लिए। बिल्कुल। तो मैडम जी हर बंदा नहीं किसी न किसी ने देख का इस लाइन में आवा है। हाँ, तो आप किस तरह लागे कि हाँ मैंने इस तरिया का बनना है? शाहरुख। इसलिए आपने इंस्टा पे? नहीं ऐसी कोई बातचीत नहीं है, बट मुझे शाहरुख खान पसंद है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ अगर मैं किसी को देखती हूँ। हाँ, तो वो शाहरुख खान। बिल्कुल। तो आपने केयरलेस गाना में भी काम करा, कुराला मान का है जो। हाँ, किस तरह बातचीत हुई थी? बातचीत तो बहुत अच्छी रही थी। हाँ, मतलब आप सब लोगों ने वो गाना देखा भी होगा। हाँ, वैसे मुझे पर्सनली जो कहते हैं ना ऐसे थोड़े हरियाणवी और ठेठ और
थोड़ा बंदूक बंदूक टाइप्स वो गाने करना पसंद है, लेकिन क्या करूँ मेरा चेहरा इतना मासूम है कि मैं रोमांटिक और थोड़ा ऐसे जोन में हो जाती हूँ, बट मुझे पसंद पूरा ऐसे है। हाँ, ठेठ टाइप्स। मतलब कि अपन जो कह सका बदमाशी की चसक है। यही 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 यही। लेकिन जो फेस है साथ तो दे रहे होगा आपका फेस, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो सूट तो करा है, देखा भी है लोगों को पसंद ऐसा है कि मैं मासूम ही बन के रहूं, बट मैं मासूम वाले जोन वाली हूं नहीं। हाँ, तो मैडम जी दर्शक जानना चाह रहे हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। अरे बाप रे, ये गलत टॉपिक है। क्लोज 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 कट 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 ओ यहां से कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बता दे यू। हाँ? नहीं, 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 स्कूल कॉलेज को प्रमोट नहीं करते हम ना जो। तो फिर पता है बात, आपके जो फैन है नहीं, मैं तो जानना चाह रहे हैं नहीं। ओ नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, आप जो क्वेश्चन है नहीं, ये मेरे नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है ये आपके फैन के हैं। अरे बाप रे, फैन को ये वाला स्किप करवा देते ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, तो जब आप हरियाणा में काम करने लग रहे हो, हरियाणा भी आपका प्रॉपर समझ में भी आ रही है, क्यों कह रहे हो ऊपरला मंता है। अभी मेरा स्टार्ट है हरियाणा में, ये मैं दूसरा सॉन्ग कर रही हूँ। इससे पहले मेरा सॉन्ग आया था विश, जो सुमित गोस्वामी का था। हाँ जी, हाँ जी। सो अभी मैंने स्टार्ट किया ही है, बट पर्सनली मैं कुछ गाने सुनती हूँ, ये नहीं बोलूंगी कि मैं सारे सुनती हूँ, मुझे सब समझ आते हैं। बट हाँ, जैसे वो लिपस्टिक वाला एक गाना है, कौन सा है ना वो वाला, और वो सारे गाने ऑफ कोर्स मैंने सुने हुए हैं। और अभी जो हम ये ट्रैक कर रहे हैं, ये मेरे लिए आसान है समझना, है ना। ये वाला ट्रैक जो है वो थोड़ा इजी हरियाणवी है, ठेठ नहीं है, जैसे आप हरियाणवी बोलो ये बड़ी ठेठ हरियाणवी बोल रहे हैं। और मैं दोस्तों यारों के बीच में रही हूँ, तो दिल्ली वाली हरियाणवी तो मुझे समझ आ जाती है। तो देखो, जिस तरह आपने हरियाणवी इंडस्ट्री में भी पैर धर दिया, जो हरियाणा की मॉडल है काम करने लग रही है नी, कहीं ना कहीं वे यूं सोचेंगे कि बाहर की छोरी आ गई, आपका लठ भी बजावेंगी, आप लठ बजाने खातिर भी तैयार हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्यार से मना रही है। अच्छा, प्यार तक क्यों, चेहरा पे भी दाग है जो भाई मासूम चेहरा है, रोमांटिक चेहरा है, और यह चीज लागू भी हो जाएगी मैडम जी पे। हाँ जी, हम ऐसे मिल बांट के कर लेंगे। हाँ, ऐसी कोई लटवट वाली बात नहीं है। तो आप एक बार यूं भी बताओ, आपने जो पहला हरियाणवी गाना था अपनी लाइफ के दौरान कब सुना था, कौन सा सुना था, ये तो याद करना पड़ेगा। कोई भी बता दो। हेल्प करो ना थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल, हेल्प तो कौन से बताए थे तुम अपने, गाड़ी में आपकी गाड़ी में कदे बच जाओ कि हाँ मैंने उस पर बढ़िया लग गया नाचना जी गया मेरा। नहीं, ये तो अभी आए हैं रिसेंट में। उससे पहले हट जाता हूँ पाछे ना नाचना जी। हाँ, ये मैंने ये दिल्ली की शादियों में बहुत सुना है। और भी बहुत सारे हैं। सुपने में रात ना आई वा करके चाला रहा। नहीं ये वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो वाला हट जा पासे, वो वाला तो सुना हुआ है। और हाँ हाँ, ये तो बड़ा फेमस है। और देसी, ओ ये वाले में तो फीलिंग है पूरी। हाँ, तो ये भी बिल्कुल। तो वैसे तो मैडम जी आपने बहुत सारे पॉपुलर आर्टिस्ट अगला काम कर लिया है। हाँ, मन में क्या इच्छा है कि मैंने उस कलाकार गल और काम करना है कि मेरा सपना पूरा हो जाए। ऐसी कोई सपने वाली बातचीत नहीं है, जो अच्छा लग जाए वो उसके साथ काम कर लेंगे। कोई तमन्ना हो मन में जो दर्शक साझा करना चाहते हो। नहीं, ऐसी कोई तमन्ना नहीं है, आई गेस दूसरों की तमन्ना होनी चाहिए, मेरी तमन्ना तो ठीक है। पंजाब के आर्टिस्ट है वो डरते हैं काम करने में। हाँ, हरियाणा में ये चीज थोड़ा, क्या मतलब, हरियाणा में जैसे पंजाब के आर्टिस्ट लोग काम करने से डरते हैं। हाँ, हरियाणा में पंजाब के आर्टिस्ट काम करने से डरते हैं, क्यों क्यों सुनते हैं हम पंजाब में जैसे आते जाते हैं। अच्छा, आप खुद देखो, मतलब पंजाब की जो फीमेल आर्टिस्ट है ना, जैसे आप वो कम काम करते हैं बिल्कुल। अच्छा, नहीं मैं एक्चुअली दिल्ली की हूँ, तो मैं पंजाब हरियाणा बीच में पढ़ते तो। हाँ, हरियाणा भी टच है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। तो मैडम जी आपने एक गाना सुनाना है हरियाणा भी, कोई भी अगर नहीं सुनाओगे तो फिर आपने मेरा गला गाना पड़ा। क्या इसका मतलब, कोई भी हरियाणा भी गाना सुना दो। ओ ये तो नहीं हो सकता, मेरी आवाज है ही नहीं गाने वाली। चलो मेरे साथ साथ बोलना है, मैं जो भी बोलूंगा ठीक है। नहीं, पता की बात है, इस बंदे में भरोसा नहीं है मुझे। कष्ट करना पड़ा थोड़ा बहुत, तो आपने कष्ट करना पड़ा, क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं न्यू मैंने जावे, पहले न्यू बताओ हरियाणा के लोग हैं न्यू को हैं कि अक्कड़पन है, आप इस बारे में क्या कहोगे। नहीं मुझे ये चौड़ पसंद है। अच्छा। मतलब इतनी ये पता चलता है कि हाँ यू नो अपना एक है, ऑरा है। आई गेस हरियाणा में ये चीज एक है कि उनका बिल्ड और उनके बोलने के तरीके से स्टाइल से पता चलता है कि वो हरियाणा के। हाँ बिल्कुल। तो अब गाना पे बात थी, घूंघट काना सा काटूं। ओ नहीं, नहीं
नहीं घूंघट काना सा काटू नहीं नहीं मैडम जी रिक्वेस्ट आप हरियाणा की ऑडियंस है जो बड़ा वेट कर रही है कान तरस गए आप हरियाणवी बोली सुन एक एक वर्ड बोलवा हां नहीं नहीं ऐसे ऐसे प्रोनंसिएशन वाले वर्ड बोलवा लो ये पता नहीं क्या बोलवा आगे पता नहीं क्या कहा ये पता है बात है आगे की पता नहीं क्या कहा ये वही गाना आपने सुन भी रखा है 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी ए मटक नहीं चलूंगी चल चलना नहीं आपने बोलना है अच्छा हां घूंघट काना सा काटू घूंघट काना सा काटू ना कसर गालूंगी ना कसर गानूंगी 52 गज का दामन पैर 52 गज का दामन पहर पहर मटक चलूंगी नहीं नहीं क्यों नहीं चलोगे मटक है अरे मैं क्यूट फिर कैसे लगूंगी नहीं दामन भी बड़ी फेमस चीज अगला गाना मैं आपका दामन प्रिया के भी आपका डांस करावा ठीक है अरे बाप रे देसी देसी ना बोलिया कर छोरी हाँ ये देसी देसी ना बोला कर छोरा रे छोरी रे छोरा रे मैं तो छोरा ही बोलूंगी ना चलो ठीक है हाँ। इस छोरी की फैन या दुनिया हो रही रे इस छोरी की फैन ये दुनिया हो रही रे हाँ। तो मैडम जी जो आपने देखने लग रहे हैं जो हाँ। लड़की देखने लग रहे हैं इस लाइन में आना भी चाहवा कहीं ना कहीं मन में डर है आप क्या संदेश देना चाहोगे कोई डरने वाली बात नहीं ऊपर से आई डोंट थिंक हरियाणा वाली लड़कियां डरती होंगी है ना ठीक है जी बात तो मैडम जी आपने कीमती टाइम काटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू जी थैंक यू जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ जय हरियाणा जय हरियाणवी जय भारत जय हिंदू